नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली के अंबेडकर हॉस्पिटल में, जहां एक रोहिणी जोन में एक मामला सामने आया कि सफाई कर्मचारी जो बुजुर्ग है, करीबन 50 के आसपास की उनकी जो उम्र है, वो ओडीएफ जो सिस्टम जो चला हुआ है, जो नगर निगम ने जो चलाया है कि रेलवे ट्रैक पर काम कराना और फ्लड डिपार्टमेंट का जो काम है, जो नहर का जो काम है, वो भी इनसे कराना और हॉर्टिकल्चर का भी काम इनसे कराया जा रहा है, उद्यान विभाग जैसे पार्क वगैरह, और DDA का भी काम इनसे कराया जा रहा है, और काफ़ी महकमों का जो PWD जो इनके अंडर में नहीं, मतलब ये जो डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए हैं वो इनके अंडर में ही नहीं आते, मगर जो ये हवाला देकर के ऊपर से ऑर्डर है, मगर ये नहीं पता किसका ऑर्डर है, वो आज तक सामने नहीं आया। मगर वो देखिए, सफाई कर्मचारी का नाम हम जानेंगे, उनका परिवार हमारे साथ में है, उनकी वाइफ घरवाली और उनका बेटा हमारे साथ में है और उनके परिजन, और हमारे साथ में देखे पिंकी सूद जी भी हैं, जो यूनियन लीडर है, क्रांतिकारी यूनियन लीडर है, और जो सफाई कर्मी के जो ASI साहब है वो भी हमारे साथ में हैं। हम सबसे चर्चा करेंगे अंबेडकर हॉस्पिटल में। तो कब हुआ ये हादसा? ये कल हुआ जी, 8 बजे, कल सुबह 8 बजे हुआ। कल सुबह तो क्या काम करते हुए? हाँ, काम करते हुए सर जी। तो क्या काम कर रहे थे? ये कसी फावड़े से माटी कर रहे थे। ठीक, मतलब कसी से? हाँ, कसी से काम कर रहे थे। और क्या हुआ? गाड़ी कैसे आया बताइए। गाड़ी 7 मिनट के बाद में आता, पीछे से आगे से आ रही थी, पीछे से इतनी दूर थी, वो उसने बंद खड़ी कर दी, ऐसा सोची खड़ी है। 3 आदमी थे ये, दो साइड में गाड़ी के अंदर 3 आदमी नहीं थे। ये काम करनी है। अच्छा, काम करने वाले दो साइड में थे, ये बीच में था। ठीक है, वो साइड वाले तो छलांग मार गए, और ये एक बार तो पहले गाड़ी से ऐसे भगाया, गाड़ी के ऊपर पड़ गया। अच्छा, दोबारा फिर उसने रेस छोड़ी ना, और रेस छोड़ते ही साथ वो दीवार पर जाकर पड़े, दारों पर टक्कर लगी गाड़ी की, और ये भी दीवार में गल गई। तो अभी क्या कंडीशन है, क्या बताया? क्या जी, इसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द है, ये तो कह रहे हैं 3 दिन दर्द है, खाली फ्रैक्चर है, क्या है? टूटा हुआ गाड़ी टूटी हुई है, चारों आंगलियां की है, चारों जो उंगली है, हाँ, वो उंगली पैर की जो वो टूटी हुई है, और पैर में और जगह, और पैर में भी है, गट्टे में भी है, यहाँ भी ये मांस फटा हुआ। अच्छा, मांस फटा हुआ, हाँ, और फ्रैक्चर वगैरह? फ्रैक्चर बता अच्छा। रहे डॉक्टर। और क्या, जो जिसने एक्सीडेंट किया वो भी मिलने आया या? हाँ, मिलने तो आया, कल भी आया था वो, आज सुबह भी आया था। चलिए, अच्छा, उनके खिलाफ रिपोर्ट की है? हाँ, करिए जी। जी, तो जो आपके जो डिपार्टमेंट के है, जो सफाई कर्मचारी के जो डिपार्टमेंट के, उन्होंने क्या कहा? यहाँ पर एडमिट कराने में उनका हाथ रहा या नहीं? पुलिस लेकर आई सर यहाँ। आपने जो कॉल किया वो पुलिस यहाँ पर? हाँ, पुलिस लेकर आई यहाँ। अच्छा, फिर हम भी साथ में आगे, दरोगा भी साथ में आया है, साथ में आए। हाँ जी, तो सुबह आए, सभी साथ में आए, सब साथ में। अंबेडकर हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें एडमिट कराया? हाँ, इसमें कराया सर जी। तो मतलब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके गए, आसपास में जो प्राइवेट हॉस्पिटल? हमने तो पता नहीं था सर, वो कह भी रहे थे। अच्छा, कि भाई प्राइवेट में ले जाओ। फिर एक बार यहाँ के सारे जितने भी अधिकारी थे, ये 500 जने आए थे, आकर चले गए, जब उसके बाद आए नहीं अभी। अच्छा, यहाँ क्या कहना है डॉक्टरों का, क्या कहना है, क्या क्या कैसी कंडीशन कैसी है? डॉक्टर कह रहे हैं भाई 3 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन हो जाना चाहिए, 3 दिन के अंदर। हाँ, और नहीं तो भाई यहाँ तो 5 दिन भी लग जाए, 6 दिन भी लग जाए, उससे ऊपर टाइम भी लग सकता है। मतलब 5 से 10 दिन इनको लगेंगे ऑपरेशन करने में, और कह रहे 3 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन हो जाना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, आप यही इलाज कराना चाहते हो या प्राइवेट में? तो ये प्राइवेट में हो, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, देखो अब लगाने के लिए भैया कमेटी पैसा दो और हम इलाज करवा दो जी। तो देखिए, जो कैशलेस सुविधा जो होती है वो अभी सफाई कर्मचारियों के लिए नहीं बनी है, क्योंकि पहले पैसा जो है इनको भरना पड़ता है। अब ये बताइए कहाँ से लाखों रुपए वहाँ पर भरेंगे और कब इनको मिलेगा? और हमारे साथ में देखिए पिंकी सूद जी भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। तो जी, ASI से हम बात कर लेंगे। सर, आप काम करा रहे थे जहाँ पर, तो वहाँ जो गाड़ी आई है, तो क्या मतलब उससे बात हुई आपकी गाड़ी वाले से? जी हाँ, यहाँ पुलिस वाले लेकर आए हैं, वो कहते हैं जितना पैसा खर्च होगा। गाड़ी अरेस्ट हुई है? गाड़ी बंद है, बंद है। गाड़ी बंद है, और जो ड्राइवर है वो? ड्राइवर तो ड्राइव का मुझे मालूम नहीं है। गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर 2 लोग थे। वो 2 लोग थे, तो स्पीड की देखी नहीं गाड़ी, जो टक्कर जो मारी है वो स्पीड में मारी है या नहीं? गाड़ी तो वही खड़ी थी वो, उसके बाद थोड़ा उन्होंने चलाया जैसा, तो एकदम ब्रेक लगा दिए, वो रेस पे पैर रखा गया, तब हादसा हुआ। मतलब अनट्रेंड था क्या? अनट्रेंड ही होगा जी वो, जब अगर उससे हादसा हुआ तो जाहिर सी बात है। तो अच्छा, तो अब आप जो फैसिलिटी क्या देना? देखिए, आप ASI है, आपके अंडर में सारी जो लेबर आती है वो आपके अंडर में आती है, आप काम कराते हैं, आप क्या चाहते हैं, मतलब कैसे? मैं यही चाहूँगा हमारे वर्कर का अच्छा से अच्छा इलाज हो जी।
तो आप अपने आला अधिकारियों को बुलाइए जरा फोन करके। अभी फोन कर दिया, कल भी फोन कर दिया, कल हमारे एसएस साहब भी आए थे जी, और अभी भी आपके सामने मैंने फोन किया है। अभी आने वाले, देखो मैं 2 घंटे से यहाँ पर हूँ और यहाँ कोई मिलने नहीं, डिपार्टमेंट का कोई भी मिलने उनसे नहीं आया है यहाँ पर, सिर्फ हम मिलने आए हैं। कल भी सारे दिन यहीं पे था मैं। आप कल थे लेकिन आपने उसके बाद तो सूद बूद नहीं ली किसी ने, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। अभी मैंने अपने साथी भेजा, पता लगा कि मीडिया जागो समाज चैनल आया और यूनियन लीडर पिंकी जी आई है, तो अभी आप आए और अभी ऐसे साहब भी अभी आए। अभी मैंने अपने आने से पहले एक आदमी अभी साथ में भेजा था और मैं आ ही रहा था जब तो अब इनको सरोज हॉस्पिटल में दाखिल करा दे तो अच्छा रहेगा, उसमें अगर इनका परिवार चाहता है तो ये बहुत अच्छी रहेगी। और भी तो देखिए जो इनके एसएस साहब हैं वो अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है और काफ़ी देर हो चुकी है, उनसे फ़ोन करें लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। होशियार सिंह जी उनका नाम है, नॉर्थ राय नहीं, होशियार सिंह जी और राय सिंह जी दो एसएस हैं और नॉर्थ दिल्ली रोहिणी जोन यहाँ पड़ती है। और ये जो लोग हैं वो बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं, कर्मचारियों के खिलाफ में ये बात जाती है तो उनका ध्यान भी रखने वाले। देखिए काम बताते, काम कर्मचारी है उनकी जो है काम को मना नहीं करता, जहां लगाते हैं वहीं काम करते हैं, मगर देखिए ओडीएफ के नाम पर भी इनको जो शोषित किया जाता है और 8 घंटे की ड्यूटी है मगर इनसे 12-12 घंटे 24-24 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है, मगर इस डिपार्टमेंट को इतनी शर्म नहीं है कि उस कर्मचारी का जो एक्सीडेंट हुआ है उसको जो सुविधा दे सके और अच्छी हेल्थ सुविधा उनको दे सके। और देखिए हमारे साथ पिंकी सूद जी, पिंकी सूद जी आपका क्या कहना है इसमें? नमस्कार, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा 24 वार्ड का हमारा कर्मचारी है जी, जिले सिंह बतासिक बताराम, ये कर्मचारी जिसकी उम्र ही 50 प्लस है 52-55 साल का एक हमारा सफाई कर्मचारी जी, और ये आज का ही नहीं ये एक रूटीन में शामिल हो गया है। जैसे अभी पीछे फर्नीचर लोडिंग अनलोडिंग के चक्कर में केशवपुरम में भी हुआ था और आज ये जो ओडीएफ के चक्कर में, मतलब ये ओडीएफ नहीं है, मैं सच बताऊँ तो ये ओडीएफ के चक्कर में हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। पार्कों का काम करना सफाई कर्मचारी का काम नहीं है, पीडब्ल्यूडी का काम करना सफाई कर्मचारियों का काम नहीं है, रेलवे ट्रैक की सफाई करना सफाई कर्मचारियों का काम नहीं है। और अगर सारे ही डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट एजुकेशन है, हेल्थ है, हॉर्टिकल्चर है, रेलवे ट्रैक है, और अगर सभी के सभी एक सफाई कर्मचारी के मत्थे मंड दिए जाते हैं ओडीएफ के नाम पे, तो मेरे ख्याल से जिस भी अधिकारी ने ये ऑर्डर किए हैं और या नहीं किए हैं या वर्बली इनसे कह के करा दिए जा रहे हैं तो ये सिर्फ घोर अन्याय है और मैं इसकी पुरजोर निंदा करती हूँ और मैं उस सरकार की भी निंदा करती हूँ जिसके अधीन आकर ये कमिश्नर के ऑर्डर हैं या किसी भी अधिकारी के सीनियर अधिकारी के ऑर्डर हैं, मैं उसकी भी गौर निंदा करती हूँ। जैसे कि हम अभी बता रहे हैं, हम यहाँ अंबेडकर हॉस्पिटल रोहिणी में हैं, अपना ये रोहिणी जोन का ही वार्ड है और रोहिणी जोन के जो सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट हैं होशियार सिंह जी और उन्हीं के साथी हैं राय सिंह जी, मैं पिछले 50 मिनट से उनके साथ फ़ोन पर टच में हूँ और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट से वो आए नहीं हैं। इन केस उन 45 मिनट 50 मिनट में उनके एएसआई जो हैं वो यहाँ पे सुशील जी आ चुके हैं। कल एक हादसा हुआ कि एक ऑन रोड ड्यूटी पे हमारा जिले सिंह कर्मचारी अपना सफाई काम को सुचारू रूप से कर रहा था, एक गाड़ी आई और वो उस गाड़ी ने उसको 2 बारी इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि उस कर्मचारी का पैर जो है उसकी चारों उंगलियां पैर की पांचों पूरी डैमेज है। ये मैं नहीं कह रही, आई एम नॉट ए डॉक्टर, ये अम्बेडकर स्टेडियम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि उसकी चारों पैर की उंगलियां टूटी हुई हैं और उसका पैर जो टखने के पास है उसका पैर है वो पूरा डैमेज है और उसको पैर में 4-5 टाँके भी आए हुए हैं। और अब देखिए आप लोग, मैं सभी को कहना चाहती हूँ जो अपने दिल्ली वासी हैं और भारतवासी है, न्याय सहना और न्याय करना दोनों ही घोर अपराध हैं। आज के अनुसार अगर हम संविधान के अनुसार अगर हम चलते हैं, अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही घोर अपराध। चलिए जिले सिंह जी को जो है वो मधुबन चौक सरोज हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट कर दिया गया है और अंबेडकर हॉस्पिटल से जो है उनको वहाँ से डिस्चार्ज करा के और वो यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें जो एडमिट कर दिया गया है और ये पैनल में आता है हॉस्पिटल, इसलिए यहाँ पर जो है एडमिट किया गया है। तो हम जानना चाहेंगे उनके परिवार से, क्या आपको संतुष्टि है?
जो यहाँ पर जो एडमिट किया गया है सरकारी से निकाल गए और सरोज में लेकर आए सरकारी से निकाल कर, अब मतलब अच्छा इलाज बेहतर इलाज हो पाएगा, जल्दी इलाज हो पाएगा यस। हाँ, वहाँ नहीं हो रहा था इलाज जी, वहाँ तक देखभाल नहीं हो रही थी, दो दिन हो गए वहाँ पड़े भी जी, यहाँ अच्छा हो रहा है, सारा काम सही हो रहा है। डॉक्टरों ने सुनील जी क्या बताया कि आज जो सरोज हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों ने चेकअप किया है, पैर की चार उंगलियाँ टूटी हुई है हाँ, और टखने में इतनी चोट है वहाँ पे। अच्छा, जो वो बता रहे थे क्या जो उंगलियाँ हैं जो वो मतलब उम्र भर तक जो जिन टेढ़ी रह सकती है और चलने में, डॉक्टर ने बताया था कि उंगलियाँ जो है उसकी उम्र भर में रह सकता है और पैर टेढ़ा रहेगा क्योंकि उसके ज्वाइंट टूटे हुए, उसमें हम कुछ प्लेट वगैरह लगा नहीं सकते जी, तो इसलिए दर्द रह भी सकता और नहीं रह सकता। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से जो है इलाज तो करेंगे, अपनी तरफ से पूरा करेंगे, मतलब उनको अब उम्र भर के लिए दिक्कत रह गई जी जी। तो ये देखिए दिक्कत रह गई है, लेकिन फिर भी जो है परिवार जो है वो इनको सरोज हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है उनको, और जो पार्टी है जिन्होंने एक्सीडेंट किया था अब वो जो है वो भी साथ में है, और वो भी जो अब जो कमाने वाला था वो ही जब खाट पर लेट गया, डैमेज उसको कर दिया गया है, तो ये गलती तो नहीं है, ये तो खामियाजो तो उनको भुगतना पड़ेगा। तो चलिए जागो समाज चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे। जागो समाज चैनल हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, हम पहले मेडिकल अम्बेडकर में थे, फिर हमें इनकी सहायता से हम वहाँ से यहाँ पे आए हैं, और वहाँ पे हमारे कोई कर्मचारी या दरोगा नहीं आते उनके पास, फिर वहाँ पे SSB आए हैं, सब कुछ आए हैं जी, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं जी, और इन्होंने हमारे बहुत बेहतर काम किया है जी, धन्यवाद सर। और हम यहाँ पर जो सुबह हम इनके पास आए थे और अभी तक शाम हो चुकी है, 6 बजने के आसपास है टाइम, और हमें अभी तक यहीं पर उनको एडमिट कराया है और अच्छी तरीके से उनका इलाज होगा, यहाँ बेहतर इलाज होगा। तो चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।